तो गाइस लास्ट पार्ट में हमने यहाँ तक रियलिस्टिक फेस शेड किया था, अब आज हम यहाँ पे पूरा स्केच कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ से हम पगड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पूरी पगड़ी में प्रॉपरली डार्क एरिया मेंशन कर लूँगा। यहाँ पे मैं 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ डार्क एरिया मेंशन करने के लिए। पूरे मैंने डार्क एरिया यहाँ पे प्रॉपरली मार्क कर लिए 8B पेंसिल के साथ। इसमें रेफरेंस के हिसाब से मैं यहाँ पे पूरे डार्क एरिया मेंशन करता जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम पगड़ी में फर्स्ट लेयर देंगे। लाइट लेयर पहले हमें देनी है, वो भी मैं इसमें 4B पेंसिल यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे पहले 4B पेंसिल से पूरी पगड़ी में एक लाइट टोन बना दूँगा। यहाँ पे देख लो, मैं पूरी पगड़ी में 4B पेंसिल का यूज़ करके पूरे मैंने मतलब लाइट टोन पहले मैं दे दूँगा। उसके बाद इसको हम प्रॉपरली कॉटन बड से ब्लेंड कर लेंगे लास्ट में, जब हम ये पूरा इसमें फर्स्ट लेयर दे चुके होंगे। तो गाइस यहाँ पे हम फर्स्ट लेयर दे चुके हैं। यहाँ पे मैंने 4B पेंसिल से पूरी फर्स्ट लेयर दे दी है। अब यहाँ पे मैं डार्क एरिया, जो एक्सट्रीम डार्क एरिया है, वो यहाँ पे मैं 8B पेंसिल के मदद से यहाँ पे डार्क एरिया मतलब वो मेंशन करूँगा। ये देख लो, यहाँ पे जो भी डार्क एरिया है उसको मैं अब 8B से डायरेक्ट डार्क करता जा रहा हूँ। और यहाँ पे हम थोड़ी वाइट हाईलाइट भी छोड़ेंगे पगड़ी में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। यहाँ पे देख लो, मैं पूरे में 8B पेंसिल से पूरे में डार्क एरिया दे रहा हूँ। और आखिरी में जो हमने वाइट हाईलाइट छोड़े हैं उस पर हम कॉटन बड की मदद से ब्लेंड करेंगे, ताकि वो वाइट हाईलाइट ज़्यादा दिखे नहीं, मतलब थोड़ा रियलिस्टिक लगे, इसलिए हम उस पर कॉटन बड यूज़ करेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम गन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी गन बनाई है 8B 4B 2B और HB पेंसिल के यूज़ से। यहाँ पे मैंने पूरी गन बनाई है। आप बाजू में रेफरेंस पिक्चर देख सकते हो, उसी के हिसाब से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। डार्क एरियाज पे मैंने 4B यूज़ की है और स्टार्टिंग में मैंने HB यूज़ की थी। हमें गन का ऊपर का पोर्शन थोड़ा लाइट रखना पड़ेगा, ताकि वो बिल्कुल पगड़ी से मैच ना हो जाए। इसलिए मैं यहाँ पे एक हल्का सा हाईलाइट छोड़ूंगा, जिससे पगड़ी मतलब गन हमारी अलग से दिखे कि अलग से गन है इसलिए। और आप लोग जो यहाँ पे गन में जो येलो पोस्टर देख रहे हो, उसमें मुझे ये डिज़ाइन थोड़ा सही समझ में नहीं आया था, तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से मैंने थोड़ा डिज़ाइन बना दिया है रेफरेंस देख के ही। तो आपको अगर जैसा डिज़ाइन आपको सही लगे उस तरह का आप बना सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने हैंड ड्रॉ करने के लिए एक HB और 2B पेंसिल ली है। फर्स्ट लेयर में मैं पूरी HB से पूरे हैंड में शेड कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं प्रॉपरली ब्लेंड कर लूँगा। और ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे जितने भी डार्क टोन है आप रेफरेंस बाजू में देख सकते हो, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ करके पूरा हैंड ड्रॉ करूँगा। अब हम यहाँ पे गन का नीचे का डार्क एरिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 8B पेंसिल यूज़ करूँगा पूरा डार्क एरिया मेंशन करने के लिए। यहाँ पे मैं पूरा डार्क एरिया 8B पेंसिल से मार्क कर दूँगा, और जो थोड़ा लाइट करना है मुझे वो मैं यहाँ पे 4B पेंसिल यूज़ करूँगा। और यहाँ पे आप रेफरेंस में देख सकते हो, यहाँ पे दो हाईलाइट हैं गन में, तो वो हाईलाइट को हमें पहले वाइट ही छोड़ देना है। यहाँ पे मैं देख लो, हाईलाइट को टोटल वाइट छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आखिरी में हम इस पर कॉटन बड यूज़ करके लाइट शेड करेंगे, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। ये हमारे ट्यूटोरियल का लास्ट पार्ट है। मैंने इसी ट्यूटोरियल के दो पार्ट पहले भी डाले हैं, जिसमें मैंने आउटलाइन कैसे बनानी है वो बताया था, और रियलिस्टिक फेस कैसे शेड करना है वो बताया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, या फिर मैं यहाँ पे आई बटन में मेंशन कर दूँगा, तो आप जाके ज़रूर देखना वो दो पार्ट। तो यहाँ पे मैंने जो कलाई से नीचे का पोर्शन है हाथ का, जहाँ पे टैटू है, वो मैंने पूरा HB से ही बनाया है। वहाँ पे टैटू का जो डिज़ाइन है वो मैंने HB से ही प्रेशर लगा के उसको प्रॉपर बना दिया है। तो यहाँ पे आपको दूसरी पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप HB से यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो क्लॉथ पूरे बनाए हैं सिद्धू मूसेवाला के, वो यहाँ पे मैंने एक HB पेंसिल यूज़ की है 8B और 4B पेंसिल के यूज़ से। यहाँ पे मैंने पूरे क्लॉथ ड्रॉ किए हैं। जहाँ पे एक्सट्रीम डार्क एरिया है वहाँ पे मैंने डायरेक्ट 8B पेंसिल से ही शेडिंग कर दी है। और जहाँ पे भी ये हाईलाइट्स हैं वहाँ पे मैं पहले यहाँ पे पेंसिल से मार्क कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हाईलाइट्स हैं। देख लो, मैं यहाँ पे पूरे मार्क कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से मैं 8B पेंसिल से डार्क एरिया को डार्क कर दूँगा, और लाइट एरिया को 4B से मैं डार्क करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमें प्रॉपर ब्लेंडिंग करनी है, ऐसे ही हमें यहाँ पे पूरी टी शर्ट उनकी ड्रॉ करनी है।
गाइस यहाँ पे थोड़ी सी लाइटनिंग ख़राब है, क्योंकि जब मैं ये स्केच बना रहा था तब बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने जो होममेड बॉक्स लाइट बनाई थी उसी की लाइट में मैंने ये बाकी का बचा हुआ स्केच कंप्लीट किया था, इसलिए थोड़ी सी लाइटनिंग यहाँ पे ख़राब हो सकती है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे जो टी शर्ट पे जो वाइट कलर की स्ट्रिप्स हैं उस पर मैं HB का यूज़ करके शेडिंग कर दूंगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक लग सके। तो गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट स्केच कंप्लीट होने ही वाला है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इन्जॉय द स्केच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।